जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 15 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार। शुक्रवार माता संतोषी और माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर माता संतोषी और माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी रात्रि 2:26 तक। आज के दिन जूड़ी शीतल का व्रत किया जाएगा और कल यानी कि 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को चैत्र पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। जो भी व्रत रखने वाले होंगे व्रत रखेंगे। सत्यनारायण भगवान का पूजन भी उसी दिन किया जाएगा और उस दिन हनुमान जयंती भी है। हनुमान जी का विधि विधान के साथ पूजन किया जाएगा। हनुमान जयंती का पर्व जो कि कई जगहों पर चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है, कई जगहों पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है और तमिलनाडु केरल में इसे मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि के दिन और उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है हनुमान जयंती का पर्व। तो हनुमान जी का विधि विधान के साथ चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन पूजन करें तो लाभकारी होगा। सूर्योदय 5:27 और सूर्यास्त 6:12। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे 4:51 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे 4:33 पे। सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा कन्या राशि में। यह बसंत ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग ध्रुव योग 7:56 तक। उसके बाद व्याघात योग करण गरकरण 3:14 तक। उसके बाद वनिजकरण। नक्षत्र की बात करें तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 9:35 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र। दिशा शूल की बात करें तो शुक्रवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य दिशा की यात्रा न करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से जौ खाकर बाहर निकले, इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन माता संतोषी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें तो लाभकारी होगा। जो भी संतोषी माता का व्रत करते हैं शुक्रवार के दिन उन्हें खटाई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माता संतोषी इससे क्रोधित होती हैं। माता संतोषी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। संतोषी माता व्रत का कथा श्रवण करें तो लाभकारी होगा। शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता वैभव लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं तो लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा 10:14 से 11:49 तक। गुली कालम समय होगा 7:02 से 8:38 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 5:27 से 7:02 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 7:02 से 8:38 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 8:38 से 10:14 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त 11:50 से 1:25 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 4:36 से 6:12 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि रात्रि 9:01 से रात्रि 10:25 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 11:49 से रात्रि 1:14 तक।
उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त, रात्रि 1:14 से रात्रि 2:38 तक, उसके बाद फिर चरण नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त, रात्रि 2:38 से रात्रि 4:02 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभकृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।